नमस्कार, आप सभी का आज इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। द टॉपिक ऑफ द इवनिंग इज ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रिक्स, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द ट्रिक्स। द ट्रिक्स वुड बी रिलेटेड टू इंडेक्स, बैंक निफ्टी, देन स्टॉक्स एंड देन ट्रेडिंग बिफोर रिजल्ट समथिंग। सो द एजेंडास दैट आई हैव टेकन टुडे इज, द फर्स्ट इज हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी ऑप्शंस। निफ्टी ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड करें, एंड दीज डेज मार्केट्स आर वेरी वेरी वोलेटाइल। हर दिन हम देख रहे हैं कि देर इज अ गैप अप ऑफ नियरली 200 पॉइंट, 150 पॉइंट्स और इवन मोर देन 200 पॉइंट्स। तो इस गैप अप और गैप डाउन में डेटा की एक्यूरेसी क्या है, क्या ऑब्जर्वेशंस है एंड व्हाट न्यू लर्निंग्स दैट वी कैन हैव फ्रॉम दिस वोलेटिलिटी दैट वी विल बी डिस्कसिंग। इस वोलेटिलिटी में पुट कॉल रेशियो ओआई को हमें कैसे यूज करना है एंड क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हम पॉइंट्स कवर करेंगे। बैंक निफ्टी इज अगेन वेरी वोलेटाइल दीज डेज। मोस्ट ऑफ द डेज जो रिसेंट डेज है इट इज आइदर डाउन 700-800 पॉइंट और अप 1000 पॉइंट, सो इट्स वेरी वोलेटाइल। सो अगेन हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी का डेटा है उसको कैसे यूज करना है। प्लस दे आर सर्टन न्यू फाइंडिंग्स दैट वी गॉट इन द रिसेंट वोलेटिलिटी दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस। कई नए पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि पीसीआर ओआई कैसे यूज करना है, तो हम स्टार्टिंग में एक बार समझेंगे कि पीसीआर ओआई कैसे यूज करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन वी विल गो इन टू द डीपर सेक्शन कि किस तरीके से उसको यूज करना है, क्या हमारी न्यू फाइंडिंग्स हैं। देन थर्ड पॉइंट आई विल ट्राई टू कवर द कवर्ड कॉल राइटिंग। कवर्ड कॉल राइटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, लाइक सपोज द मार्केट इज डाउन एंड वी वांट टू क्रिएट पोर्टफोलियो, लाइक वी वांट टू बाय आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, और सपोज वी वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, और उसमें हम कैसे कवर्ड कॉल राइटिंग की स्ट्रेटजीज करके बेनिफिट उठा सकते हैं। सो वी विल डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स कि कवर्ड कॉल राइटिंग करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, क्या डेटा हम यूज कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे हम यूज कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट सीजन्स हैं, रिजल्ट सीजन्स में स्टॉक ऑप्शंस कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट डेटा पॉइंट्स दैट वी शुड लुक बिफोर द आउटकम ऑफ एनी रिजल्ट्स, लाइक से इफ देयर इज अ रिजल्ट ऑफ इंफोसिस, तो उसके एक दो दिन पहले किस तरीके से कौन सा डेटा पे हमें फोकस करना चाहिए, जिससे हमें ये क्लू मिलेगा कि रिजल्ट्स किस तरीके से पैन आउट हो सकते हैं। देन एक्सपायरी डे के दिन हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, एंड बटरफ्लाइज हम कैसे कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। देन फ्राइडे को स्ट्रैडल सेलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई स्ट्रैडल सेलिंग इज क्वाइट यूजफुल ऑन फ्राइडे, और दीज डेज ऑप्शन प्रीमियम्स आर वेरी हाई। अगर आप स्ट्रैडल को देखते हैं, यानी स्ट्रैडल का मतलब होगा कि एट द मनी कॉल एंड पुट, एंड इन द करेंट सिनेरियो विक्स इज वेरी हाई एंड द स्ट्रैडल प्रीमियम्स आर अप्रॉक्सिमेटली 450 रुपीज ऑन फ्राइडे, एंड जनरली ऑन फ्राइडे यू विल सी अ टाइम वैल्यू डीके। डिस्पाइट आज के दिन में टाइम वैल्यू डीके बहुत ज्यादा स्ट्रैडल में नहीं था, इट वॉज ओनली 10-15 रुपीज, बट नॉर्मली ऑन एवरी फ्राइडे यू विल फाइंड अ टाइम वैल्यू डीके ऑफ 40-50 रुपीज ऑन फ्राइडे, approximately 30-40 rupees normally we get from a straddle. So Friday को हमें straddle क्यों करना चाहिए, क्या logics हमें use करना चाहिए, क्या stop loss हमें use करना चाहिए। Then option writing in intraday, so these all topics and how to find a right entry level. So हम normally we use a VWAP for entry, but when the volatility is above 25, जब VIX 25 से ऊपर होती है, in that case VIX will not work to take the entry, because sometime it will work, sometime it will not work. Plus जब कभी भी gap up और gap down होगी, in that case also entry near VWAP will not give you the right entry levels. Like अगर आप expiry वाले दिन देखेंगे तो there was a gap up of 300 point and then market came back to VWAP, we tried to enter call option near VWAP, but we were stopped out.
जब भी कभी गैप अप हो 300-200 पॉइंट से ऊपर का, तो जो वीवैप की एंट्री है उसे हमें मॉडिफाई करना होगा टू डिफरेंट क्राइटेरिया। सो जस्ट टू नोट दैट जब भी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो, इन दैट केस एंट्री नियर वीवैप माइट नॉट वर्क। स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर। सो दीज टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट 1 आवर 10-15 मिनट्स। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। सो जो मॉडल अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करेंगे। और इस मॉडल की जो नॉर्मल हिट रेशियो है दैट इज 65-70%। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स वुड बी लूजिंग ट्रेड्स एंड 6 ट्रेड्स वुड बी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। नाउ एक्यूरेसी, लोअर एक्यूरेसी ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के दिन एक्यूरेसी कंपेरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। रीजन इज फ्राइडे इज अ न्यू स्टार्टिंग ऑफ अ वीक, न्यू पोजिशंस आर क्रिएटेड। सो जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल्स में भी क्रिएट होती है और पुट्स में भी क्रिएट होती है, एंड राइटर्स आर वेरी एक्टिव इन कॉल्स एंड पुट। दैट मीन्स वेन वी स्टार्ट अ न्यू एक्सपायरी, जब हम नई एक्सपायरी स्टार्ट करते हैं तो नए नए नई पोजिशंस क्रिएट होती है कॉल्स में भी। सो देर इज अ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट इन ऑल द स्ट्राइक्स, एंड पुट्स में भी सारी स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होती है। सो दैट्स वाई आप ये देखेंगे कि फ्राइडे के दिन नॉर्मली पीसीआर, जो पुट कॉल रेशियो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज क्लोजर टू वन वन 1.25, एंड इट मूव्स इन अ स्मॉलर रेंज। द रीजन इज द प्रीमियम्स आर वेरी हाई एंड ऑप्शन राइटर्स दे क्रिएट पोजिशंस इन बोथ कॉल्स एंड पुट। सो दैट इज द रीजन हम फ्राइडे को स्ट्रैडल सेलिंग प्रिफर करते हैं, और एंड दिस पीसीआर ओआई हैज अ लोअर हिट रेशियो ऑन फ्राइडे बिकॉज इट इज अ न्यू एक्सपायरी एंड पोजिशंस आर बीइंग क्रिएटेड। एक्सपायरी वाले दिन, जो एक्सपायरी वाले दिन होती है, उस दिन भी पीसीआर ओआई की एक्यूरेसी स्लाइटली कम होती है। द रीजन इज द प्रीमियम्स आर वेरी लेस। प्रीमियम्स जो होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, आउट ऑफ मनी की जो कॉल्स एंड पुट होती हैं, सपोज एट द मनी, यानी मार्केट इज ट्रेडिंग एट से 16,600 फॉर एग्जाम्पल, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम होंगे वो 16,600 और 700 के आसपास ही प्रीमियम होगा कॉल्स में, और पुट्स में 16,600 एंड 16,500 में प्रीमियम्स होंगे। अगर हम आउट ऑफ मनी में जाएंगे तो प्रीमियम्स आर वेरी लेस। इफ द प्रीमियम्स आर लेस, तो वहां पे जो आउट ऑफ मनी में जो पोजीशंस क्रिएट होती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट। दो इट इज रेलिवेंट, बट एक्सपायरी वाले दिन इट कैन बी दैट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स माइट गेट ट्रैप्ड। सो द एक्यूरेसी इज स्लाइटली लोअर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, बट स्टिल एक्सपायरी वाले दिन इससे एक ट्रेंड का आइडिया हमें मिलता है कि किस तरीके से डेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज वी ऑल आर ट्रेडिंग इन टू द मार्केट, वी ऑल वॉन्ट्स टू ट्रेड इन टू द ऑप्शन, बट हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए जिससे हमें 9:30-10 तक ये आइडिया लग जाए कि मार्केट में किस तरीके से मूव बन सकती है। बिकॉज एज ऑफ नाउ व्हेन यू ट्रेड विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी एम्यूनेशन, आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा। लाइक वी आर जस्ट ब्लैंक अगर हम कोई डेटा फॉलो नहीं करते हैं। इफ यू हैव अ टेक्निकल एनालिसिस देन वेल एंड गुड, बट प्राइस एक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी चार्ट्स नहीं है, तो वी आर जस्ट ब्लाइंड, हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। सो पीसीआर ओआई एटलीस्ट गिव्स यू अ क्लू कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकती है, एंड इट हैज गॉट अ लॉजिक, इट गिव्स यू अ लॉजिकल क्लू कि क्या मार्केट का मूवमेंट आ सकता है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज ऑल्सो हायर कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स। लाइक there are many technical indicators, price indicators, but this indicator is based on completely derivative positions. यानी जब भी open interest create होता है तो positions create होती है, there is a deployment of money. तो जहां पे funds की deployment है, that is more reliable indicator. So that's why PCR OI has got more reliability. Now there are many periods जब इसकी reliability कम हो सकती है, कभी reliability इसकी बहुत ज्यादा हो सकती है। सो अगर आप 12 महीनों में देखोगे तो हो सकता है कुछ ऐसे मंथ आएंगे जिसमें पूरे महीने इसकी एक्यूरेसी वुड बी 70+ 80+ हिट रेशियो।
बट कुछ ऐसे मंथ्स भी हमें मिलेंगे जब इसकी एक्यूरेसी से 50-55%, लाइक अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसमें द एक्यूरेसी हैज गॉन डाउन. द रीजन इज देर इज अ गैप अप गैप डाउन न्यूज फ्लो, लाइक से PCRY बन रहा है देन सडन देर इज अ न्यूज रिलेटेड टू रसिया यूक्रेन. सो इन दैट केस दिस इंडिकेटर माइट नॉट वर्क बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन टोटली अ पोजिशंस बिल्डिंग एंड जो पोजिशंस बनी कुछ नेगेटिव न्यूज आई देन दैट पोजिशंस गेट स्क्वाड ऑफ. सो दैट्स व्हाई द इंडिकेटर इज चेंजिंग ड्यूरिंग द डे. सो दिस हैपेंस जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है या न्यूज फ्लो के साथ मार्केट मूव कर रही है. सो लोअर हिट रेशियो व्हेन द विक्स इज ग्रेटर देन 25. इन द करेंट सिनेरियो विक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 26-27. 29-30 तक भी विक्स गया था बट नाउ इट इज अराउंड 25-26. तो जब विक्स बहुत ज्यादा होगी तो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी स्लाइटली कम होगी. बट अगर आप बैक टेस्ट करोगे लास्ट 10 साल के डेटा को तो आउट ऑफ 10 ईयर्स नियरली 80% ऑफ द ट्रेडिंग डेज ट्रेडेड बिलो 20 एंड 20% ऑफ द ट्रेडिंग डेज आर अबव 25 एंड 30. यानी 2008 जैसे आप देखेंगे तो वो पूरा कंप्लीटली इट वाज अ हाई विक्स सिनेरियो जहां पे विक्स वाज मोर देन 25. तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर पूरे साल में से वी हैव 12 मंथ्स, सो आउट ऑफ 12 मंथ्स यू विल फाइंड दैट 2-3 मंथ्स आर दोज मंथ्स जहां पे विक्स इज मोर देन 25-26 एंड जनरली विक्स ट्रेड्स बिलो 25. और जब भी विक्स बिलो 25 है दैट इज अ बुलिश सिनेरियो. अ वेरी सिंपल रूल, अगर विक्स 25 से ऊपर है तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मार्केट इज डाउन ट्रेंडिंग, मार्केट में फियर है, निफ्टी कैन गो डाउन. बट अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स गोज डाउन बिलो 20 और इट कंटिन्यूज टू ट्रेड बिलो 20 इन दैट केस मार्केट बिकम्स बाय ऑन डिप. यानी कि अगर विक्स 20 से नीचे है तो एक सिंपल इंडिकेशन हमें मिलता है कि मार्केट इज बाय ऑन डिप और मार्केट में वी कैन डू इन्वेस्टमेंट, वी कैन डू बाय ऑन डिप्स, वी कैन डू ट्रेडिंग, वी कैन डू जब भी कभी कुछ स्टॉक्स नीचे आता है हम बाय कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन जब विक्स बिलो 20 होती है. जब विक्स राइजिंग सिनेरियो में होती है दैट इज अ साइन ऑफ फियर. और विक्स अगर 25, 30, 35 इस तरीके से अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स दिख रही है तो दैट इज अ साइन ऑफ कॉशन एंड मार्केट कैन गो डाउन. नाउ हाउ यू विल गेट विक्स, विक्स इज अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट. आप NSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आपको विक्स इंडिकेटर दिख जाएगा. और विक्स की वैल्यू ये ध्यान रखना है कि 20 से नीचे है तो दैट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट, हेल्दी फॉर द मार्केट. इफ इट इज मोर देन 20, 25, 30 देन दैट इज डेंजरस फॉर द मार्केट. सो टू कम टू द पॉइंट, जब भी विक्स 25 से ज्यादा होगी इन दैट केस द PCRY इंडिकेटर विल हैव वोलेटिलिटी. और इसमें एक्यूरेसी हमें इंट्राडे में नहीं मिलेगी, हो सकता है थ्रू आउट द वीक हमें मिल सकती है. लाइक टुडे मार्केट में PCRY वाज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड वी वर ट्राइंग टू ट्रेड कॉल ऑप्शंस. हम बुलिश स्ट्रेटजीज प्ले करने की कोशिश कर रहे थे बट वी कुड नॉट गेट द प्रॉफिट्स एंड फाइनली एंड में वी हैड टू एग्जिट ब्रेक इवन. बट अल्टीमेटली इफ आज का डेटा अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट लाइकली मंडे को द मूव विल कम ऑन द मंडे. जैसे आज निफ्टी वाज टोटली साइडवेज एंड एंड PCR वाज मोस्टली पॉजिटिव बट निफ्टी डिड नॉट मूव अप. सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि द मार्केट्स आर नेगेटिव. दिस गिव्स अ स्ट्रेंथ कि मार्केट में आज से मूव नहीं हुआ बट पोजिशंस हैज बीन क्रिएटेड ऑन द पॉजिटिव साइड एंड मोस्ट लाइकली द फॉलो ऑन बाइंग कैन कम ऑन मंडे. अब नेक्स्ट सपोज मंडे को PCR स्लाइटली पॉजिटिव साइड ही बंद होता है एंड निफ्टी में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आता है. सो द ऑब्जर्वेशन इज फ्राइडे PCR इज स्लाइटली पॉजिटिव साइड, मंडे ऑल्सो PCR पॉजिटिव साइड होता है बट मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है और मार्केट से स्लाइटली नीचे आती है फॉर एग्जाम्पल. तो मोस्ट लाइकली ये है कि ट्यूजडे और वेडनेसडे मार्केट विल मूव ऑन द अपसाइड. सो दैट मीन्स मैं ये यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि अगर PCR पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्टअप हो रहा है और निफ्टी इज नॉट मूविंग ऑन द सेम डे देन फॉलो अप बाइंग कैन कम ऑन द अपसाइड. सिमिलरली मैं आपको लास्ट एक आध महीने पहले का डेटा में ऑब्जर्व करते हैं. लास्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वॉर यूक्रेन एंड रशिया वॉर
एवरी डे वी वेर सीइंग दैट डेटा वॉज नेगेटिव, पीसीआर नेगेटिव था. वी ट्राई टू ट्रेड बियर पुट स्प्रेड फॉर नेकेड पुट, बट इंट्राडे वोलेटिलिटी वॉज हिटिंग द स्टॉप लॉस. से ऑन फ्राइडे वी ट्राइड, फ्राइडे को पीसीआर नेगेटिव, हमने नेगेटिव प्ले करने की कोशिश करी, देर वॉज अ वोलेटिलिटी. देन अगेन मंडे पीसीआर वॉज नेगेटिव, निफ्टी डिड नॉट फेल, बट फाइनली थ्रू आउट द वीक अगर आप उस वीक का एंड देखोगे तो अल्टीमेटली निफ्टी फेल डाउन. सो व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट इज जब विक्स ज्यादा होती है तो मे बी इंट्राडे में आपको राइट मूवमेंट उसके हिसाब से न मिले, बट अगर आप पूरे वीक का देखोगे तो वीकली मूवमेंट आपको पीसीआर के हिसाब से होगी. सो अगर आज पीसीआर ओआई पॉजिटिव है तो मोस्ट लाइकली फॉलो ऑन बाइंग हमें मंडे को मिलनी चाहिए. मंडे को अगर पॉजिटिव पीसीआर ओआई होती है तो ट्यूसडे फॉलो ऑन बाइंग हमें मिल सकती है. नाउ मूवमेंट ड्यू टू सडन पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज, कभी भी जैसे व्हाट आई एम टॉकिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ पीसीआर ओआई, तो कभी भी कोई सडन नेगेटिव न्यूज आ जाए या पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो उस केस में पीसीआर ओआई की एक्यूरेसी स्लाइटली कम हो जाती है. बिकॉज पीसीआर ओआई क्रिएट कैसे होता है, पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट इज पोजिशन क्रिएटेड बाई रिटेल पार्टिसिपेंट्स, पोजिशन क्रिएटेड बाई एफ आईज, पोजिशन आर क्रिएटेड बाई डी आईज, नॉट डी आईज एग्जैक्टली, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स. जो पोजिशन क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट. और कोई भी सडन न्यूज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज, विल कंपेल टू लिक्विडेट दैट पोजिशन. सपोज कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि देर इज अ पॉजिटिव टॉक गोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो वॉट विल हैपन दैट कॉल राइटर्स विल कवर देयर पोजिशन, सो दे विल अनवाइंड द कॉल राइटिंग पोजिशन. सो दैट्स वाई जब भी कोई न्यूज फ्लो होती है तो पोजिशन गेट चेंज्ड वेरी फास्ट. सो पीसीआर ओआई जिस समय कोई न्यूज आ रही है देन वी हैव टू लुक एट कि किस तरीके से ऑप्शंस का ओआई चेंज हो रहा है, एंड इट चेंजेस वेरी फास्ट इन द लाइव मार्केट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग जो अभी हमें देखने को मिल रही है. नाउ इन द करेंट सिनेरियो एवरीडे वी आर आइदर गैपिंग अप और गैपिंग डाउन, and gap up and gap down is more than nearly 150 points to 200 points, so which is more than 1%. So normally the current scenario is an uncommon scenario. As a scenario, you will not see gap up and gap down of more than 1% most of the time. But agar gap up hume say 1.5% se jyada hai, so in that case PCR OI will not work on that day. Why it will not work? The reason is, suppose there is a gap up. So, जब gap up होती है तो जो outstanding position call writers की होती है, they square off. It is not the same day position. जब gap up होती है तो जो outstanding call writers की position है, that is getting squared off. So, वो जो square off हो रही है, that is a panic square off. और जो panic square off होती है, that is not very relevant for intraday trading. तो इसलिए कभी भी गैप अप एंड गैप डाउन होती है तो हमारी एक्यूरेसी इस इंडिकेटर्स की कम हो जाती है, एंड वी ट्राई टू ट्रेड और हमें उसमें कई बार प्रॉफिट नहीं मिल पाता है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल. सो लेट्स अंडरस्टैंड, कई ऐसे नए पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, देन वी विल मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट. दिस इज अ ऑप्शन चेन डेटा. मैं दो तीन टेबल मेरे पास है, एक तो रिसेंट टेबल भी हम डिस्कस करेंगे, एक हम कुछ पुराने टेबल्स को डिस्कस करते हैं ओल्ड डेटा, एंड देन वी विल डिस्कस टुडेज डेटा कि आज का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा था. सो दिस इज अ निफ्टी कॉल ऑप्शन एंड दिस इज निफ्टी पुट ऑप्शन. ये कॉल साइड हो गया और ये हमारा पुट साइड हो गई. नाउ ये स्ट्राइक्स हमारी हो गई, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और ये ओपन इंटरेस्ट है. सो इंट्राडे में हमारा फोकस एरिया क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट रेलिवेंट कॉलम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. जो टेबल हम लोग सेंड करते हैं 15 मिनट्स टेबल, दैट इज अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे कॉल साइड का कि कॉल में कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है. सो दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर हो गया, दिस इज पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया.
राइट। नाउ देयर इज वन वेरी सिंपल एंड बेसिक एजम्पशन, दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज अ एजम्पशन विच वी बैक टेस्टेड। सो एजम्पशन इज मोस्ट ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स दे प्रिफर बाइंग ऑप्शंस, यानी कि अगर हम एनएसई का डेटा एनालाइज करें या वेरियस ब्रोकिंग हाउस का डेटा एनालाइज करें या इफ यू लुक विद इन योर सेल्फ, सो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द रिटेल प्लेयर दे प्रिफर टू बाय ऑप्शंस। व्हाई दे प्रिफर टू बाय ऑप्शंस? बिकॉज द कैपिटल रिक्वायर्ड इन बाइंग इज वेरी लिमिटेड, बिकॉज जब हम एक लॉट खरीदते हैं तो वी कैन बाय इट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ से 10,000 और 15,000 रुपीज। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन। एंड द पॉइंट नंबर टू इज जस्ट इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट टेल मी कि जनरली क्राउड्स, जो क्राउड्स होती हैं से क्वेश्चन नंबर वन इज इन ऑप्शन मार्केट 10% ऑफ द पॉपुलेशन मेक्स प्रॉफिट एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन मेक्स लॉस, डू यू एग्री और नॉट एग्री? सो माय क्वेश्चन इज, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं और 90% लोग लॉस करते हैं, सो डू यू एग्री और नॉट एग्री? सो मोस्ट लाइकली आई एम नॉट आस्किंग, डोंट राइट इट इन टू द चैट रूम, बट यस, 90% ऑफ द रिटेल पब्लिक और ऑप्शन ट्रेडर्स दे जनरली लूज मनी, सो दिस 10% आर मेकिंग प्रॉफिट इन ऑप्शन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, से 100 ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग इन टू द मार्केट, से 100 ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग इन टू द मार्केट, सो बेस्ड ऑन दिस 10% विल मेक मनी एंड 90% विल लूज मनी। सो क्राउड नॉर्मली लूज मनी। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि अगर 100 लोग हैं, 100 ट्रेडर्स हैं, तो 90 लॉस करते हैं, 10 प्रॉफिट करते हैं, यानी क्राउड जनरली गोज रॉन्ग, एंड इफ यू ट्रेड अगेंस्ट द क्राउड द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। सो नाउ कमिंग टू माई लॉजिक, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि जो भी पोजिशन हम लोगों ने मिलकर क्रिएट करी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, जस्ट डोंट लुक एट स्ट्राइक्स, हम आज का डेटा भी डिस्कस करेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से कितना आ रहा है कॉल्स में, इट इज 49 लाख। पुट्स में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, 54 लाख। सो अब इस डेटा से हमें यह देखना है कि जो क्राउड है, ज्यादातर लोग क्या खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग पुट ऑप्शंस। सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ मोर बाइंग इंटरेस्ट इन पुट्स कंपेयर टू कॉल्स। सो दिस डेटा इंडिकेट्स कि पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, और हमने अभी ये जाना या व्हाट वी नो इज मोस्ट ऑफ जनरली क्राउड गोज रॉन्ग, सो हमें वी नीड टू ट्रेड अगेंस्ट द क्राउड। सो अगर ज्यादा लोग, ज्यादा ट्रेडर्स पुट खरीद रहे हैं, तो हमें कॉल ट्रेड करना है। सो नाउ अब मैं आगे और नेक्स्ट डेटा में आता हूं। जस्ट दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स, यानी पुट यानी हम मंदी खेल रहे हैं, कॉल यानी हम तेजी कर रहे हैं। अब पूरे मार्केट में दिस इज द ओपन इंटरेस्ट, जो नजदीक के स्ट्राइक्स हैं उसका ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट चेंज इज 45 लाख, यानी जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने 45 लाख कॉल खरीदा है, और जो अदर ट्रेडर्स हैं, डिफरेंट दूसरे अदर जो और पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने 68 लाख पुट्स खरीदा है। सो अगर आप दोनों को मेजर करें कि जो क्राउड किधर जाना चाह रही है, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ क्राउड, यू विल फाइंड दैट दे आर बायस टुवर्ड्स पुट्स, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है। व्हाट वी फाउंड इन दिस डेटा कि जब भी कभी ऐसा हमें मिलता है, यानी कि इफ द क्राउड इज इन टू द पुट्स, वी ट्रेडेड कॉल्स, यानी क्राउड के अगेंस्ट हमने कॉल ट्रेड करने की कोशिश करी, एंड वी फाउंड दैट दिस मेथड इज वर्किंग एंड दिस हैज गॉट अ गुड हिट रेशियो।
This is not a book written method, but we found it into the back testing and into the live market. We are practicing it for last 3 years, and most of the time this is giving a good indication. Just aur koi example main leta hu. Ye example Thursday ka hai, this Thursday, this expiry day, and this is a closing data. In fact, this is a closing data. Last 3:30 baje ka ye data hai. But Thursday ko kya hua tha? Market Thursday there was a election results. There was a counting going on, and BJP was leading most of the states. Nifty had a gap up of 300 plus 300 points se jyada Nifty mein gap up hua. And then during the day Nifty gave a retracement. Nifty niche aayi and then again it bounced and closed by 250 point. 250 point Nifty upar band hui. अब उस दिन का क्लोजिंग डेटा आप देखेंगे तो क्या था, ये पुट में द ओपन इंटरेस्ट वाज 1,22,00,000 शेयर, यानी जो जो क्राउड्स था उनका ये मानना था कि निफ्टी कैन गो डाउन एंड दे वर बाइंग पुट ऑप्शंस एंड कॉल्स में देयर वाज नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट वाज अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव, दैट मीन्स क्राउड वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द कॉल ऑप्शन. आप इसको ऐसे समझें कि जो चेंज इन ओआई कॉल्स का है दैट वॉज नेगेटिव एंड पुट्स का इट वॉज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. सो एक्सपायरी डे दो जिन्होंने पुट में ट्रेड किया उनको प्रॉफिट आया होगा बिकॉज मार्केट वेंट डाउन एंड देन इट कवर्ड इन टू द लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेडिंग. इट वॉज अ वेरी वोलेटाइल एक्सपायरी. But this data indicated that the crowd, the major crowds were trading into the puts and market, that's why bounced towards the end. And जो भी puts को hold कर रहे थे they lost all the premiums. Like आप ये देखें कि 16,600 का puts 5 रुपया रह गया, 550 का put 0, 500 का put 0, all puts became 0. जस्ट टू अंडरस्टैंड टूडेज एग्जाम्पल, आज के हम एग्जाम्पल में चलते हैं कि आज का डेटा किस तरीके से था. होप हाँ, आज के डेटा में हम आते हैं और ये मैं डेरिवेटिव सेक्शन में जा रहा हूं. राहुल ये स्क्रीन इज विजिबल ऑटो टेंडर? यस सर, स्क्रीन विजिबल है सर. ओके राइट, थैंक यू. सो ये देखिए आज का डेटा है और हम आज के डेटा को डिस्कस करते हैं और इसका नेक्स्ट मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस कॉलम इज अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज, ये कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है. अब आज के डेटा में कॉल्स का टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, दिस इज 68 लाख्स एंड पुट्स में आ रहा है 85 लाख. अब ये डेटा देख के, दिस इज अ क्लोजिंग डेटा, तो ये डेटा देख के आपको दिस डेटा सेज दैट जो भी क्राउड है दे वर मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स एंड लेस इंटरेस्टेड इन कॉल्स. कॉल्स में भी पोजिशन बन रही थी बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स एंड लेस इंटरेस्टेड इन कॉल्स. अब ये जो 15 मिनट्स का डेटा हम पब्लिश करते हैं, दिस इज द सेम डेटा. जैसे 9, अब इस सेम ये जो ओआई है इसको हम समझते हैं. मॉर्निंग 9:30 से ये कैसे डेटा बना है आज, ये तो क्लोजिंग का डेटा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड मॉर्निंग ओपनिंग डेटा किस तरीके से था. मॉर्निंग 9:30 पे दिस फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज पुट ओपन इंटरेस्ट. ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये जो डेटा है दिस इज कॉल और ये पुट्स का, ये जो 85 लाख वाला डेटा है दिस इज पुट. अब मॉर्निंग में आप देखें 9:30 पे कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कितना था, 49 लाख और पुट्स का था 53 लाख. डेटा जैसे ही मार्केट 9:15 में खुली तो कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं दे टेक पोजीशंस एट 9:15
and that is called a blind positions taking, because you just trade based on emotions. उस समय माइट भी आपको प्रॉफिट्स आ भी सकते हैं, प्रॉफिट्स नहीं भी आ सकते हैं, बिकॉज दैट ट्रेडिंग इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. मार्केट फैक्ट्स क्या होता है? मार्केट फैक्ट्स इज कि 9:15 में मार्केट खुली, एंड देन मार्केट ट्रेड्स डेटा गेट्स क्रिएटेड, और फिर उसमें जो पोजीशंस बनती है वो आप एनालाइज करके ट्रेड करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डेटा फैक्ट्स. तो यहाँ पे जो हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस. So that's why we recommend to trade after 10:30, because 9:15 में market खुली and facts को create होते it takes some time to create the facts, and then you can take the decisions for intraday trading. अब देखिए 9:30 में 49 lakh calls and 53 lakh puts, so difference is 40,000. It's a very small, so it's nearly 4 lakh, 4 lakh का difference है. It's a very small difference. So PCR is 1.08. PCR क्या होता है? Put divided by call is called put call ratio. ये जो OI है, this position divided by call का position, this is PCR ratio 1.08. अगर ये 1.08 है, इसका मतलब क्या हुआ कि calls की position and puts की position are approximately equal. So that's why the ratio is very less. अब ये ratio अगर less है, यानी if this ratio is closer to 1, इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्स की पोजीशन एंड पुट्स की पोजीशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कि जो पोजीशंस, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, 50% पार्टिसिपेंट्स आर बुलिश एंड 50% पार्टिसिपेंट्स आर बेयरिश. सो अगर ऐसा सिनेरियो है तो दैट इंडिकेट्स अ साइडवेज सिनेरियो, बिकॉज आधे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और आधे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी. सो देयर इज अ स्ट्रांग फाइट बिटवीन इक्वल पार्टिसिपेंट्स, यानी दोनों साइड, यानी बुल एंड बियर आर इक्वल. सो इन दैट केस मार्केट गोज साइडवेज. लाइक टुडे व्हाट वाज हैपनिंग, दैट बुल्स एंड बियर्स वेर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट वाज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स बुलिस, यानी कि बुल्स एंड बियर का अगर आप कंपैरिजन करें तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे वो स्लाइटली बियरिश थे ज्यादा. सो दैट्स व्हाई इट वाज अ पॉजिटिव बायस मार्केट. अब ये डेटा में आप देखें 9:45 पे क्या हुआ. 9:45 पे देयर वाज अ कॉल ओपन इंटरेस्ट 63 लाख एंड पुट ओपन इंटरेस्ट 85 लाख. सो दिस वाज अ 22 लाख डिफरेंस. सो पीसीआर इज 1.35. सो 9:30 से 9:45 पे देयर वाज अ अपटिक इन पीसीआर. सो दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल. 10 बजे अगेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड. 10 बजे 73 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट था और पुट्स का 1,10,00,000, यानी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो से 9:15 के बाद जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, दे वर इंटरिंग इनटू द पुट्स. सो ये डेटा देख के आप ऐसा समझ सकते हो कि जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं या जो नए ट्रेडर्स मार्केट में घुस रहे हैं 9:15 के बाद, दे आर इंटरिंग टुवर्ड्स पुट्स. दे आर इंटरिंग टुवर्ड्स पुट्स. पुट्स में पोजिशन ज्यादा बढ़ रही है. सो दे आर बिल्डिंग मोर पोजिशन इनटू द पुट्स. सो दैट मीन्स जो क्राउड है, they are getting into the puts. So based on this logic, we should avoid puts और हमें calls की तरफ जाना चाहिए. But आज के दिन में ये जो PCR था, it was approximately flat. The war between bull and bear was very strong. So that's why market traded sideways, almost sideways throughout the day. And Nifty closed nearly 40 points up. एंड फाइनली अगर आप क्लोजिंग में देखेंगे तो पुट्स के प्रीमियम्स ज्यादा क्रैक डाउन हुए एंड कॉल्स के प्रीमियम कम क्रैक डाउन हुए. निफ्टी क्लोज्ड, जो जिन्होंने कॉल खरीदा होगा उनको स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ तो प्राइस निफ्टी कॉल्स केम नियर टू द बाइंग प्राइस. सेकेंड इज SGX इज अगेन ट्रेडिंग अप बाय 140-150 पॉइंट. अभी SGX निफ्टी आप देखेंगे तो 130-140 पॉइंट ऊपर है. There is some positive news coming from an international war front. So possibly ये data को देखते हुए Monday को एक हमें gap up opening market में मिल सकती है. So ये data अगर हम देख रहे हैं तो कम से कम हम इसके against we will not carry put options. दो आज हमने bull spreads trade किया. We were not profitable. We exited at a break even. But we are not into the wrong side of the market. We are
इनटू द राइट साइड ऑफ द मार्केट एंड मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन दिस डेटा अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आया तो निफ्टी कैन हैव अ गैप अप ओपनिंग ऑन मंडे। नाउ ये तो पीसीआर हो गया। अब इसमें ट्रिक्स समझने की चीज ये है कि पीसीआर का जो ट्रेंड है, ये नीचे में एक ट्रेंड हम इंडिकेट करते हैं, दिस इज अ ट्रेंड ऑफ अ पीसीआर। दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये देखिए पीसीआर आज का हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग पीसीआर वाज अपटिकिंग, देन द पीसीआर नीचे आने लग गया एंड पीसीआर वाज आल्सो ट्रेडिंग साइडवेज। जैसे हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, लाइक हम प्राइस पे चार्टिंग करते हैं, वी कैन फाइंड सपोर्ट ऑन द प्राइस चार्ट, वी कैन फाइंड रेसिस्टेंस ऑन द प्राइस चार्ट। हम प्राइस को एनालाइज करें तो हम वहां पे डबल बॉटम, डबल टॉप, अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये सब हम प्राइस चार्ट पे देखते हैं। बट वो सेम इंडिकेटर्स वी शुड ट्राई ऑन द पीसीआर ओआई चार्ट। ये पीसीआर ओआई का चार्ट है और इसमें आप देखें कि ये लो जो ओपनिंग का पीसीआर है, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट में मंदी आ गई या हमें पुट लेना है। दिस इज द ओपनिंग पीसीआर रेशियो, दिस इज द ओपनिंग पीसीआर रेशियो एंड ये पीसीआर वेंट अप, वेंट डाउन, अगेन वेंट अप, वेंट डाउन एंड इट क्लोज साइडवेज। बट कभी भी पीसीआर, आज का पीसीआर जीरो से नीचे नहीं गया। अगर ये जीरो से नीचे नहीं गया देन दिस इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। अब बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी पीसीआर वॉज पॉजिटिव एंड देन बैंक निफ्टी पीसीआर वॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो कभी भी पुट कॉल रेशियो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये केस सिनेरियो आपका नेगेटिव हो सकता है। यानी अगर पीसीआर इज अ अपवर्ड ट्रेंडिंग सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। सपोज हमने नेकेड कॉल में एंट्री करी एंड पीसीआर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप लॉस को बचाने के लिए आप फटाक से, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आप एग्जिट कर सकते हो और वापस वहां से जब वो अपवर्ड स्लोपिंग होने लगे देन यू कैन अगेन री एंटर। तो ये तो आज का सिनेरियो है। हम कुछ और ओल्ड डेटास को डिस्कस करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पीसीआर ओआई से हम बन सकते हैं। सो ये जो डेटा पॉइंट है, ये जो टेबल हम आपको सर्कुलेट करते हैं एवरी 15 मिनट, सो व्हाट इज दैट, ये टेबल सेम डेटा का है कि किस तरीके से पीसीआर ओआई इज मूविंग एंड डिफरेंस किस तरीके से मूव कर रहा है। लाइक से 70,000 डिफरेंस, 3 लाख का डिफरेंस हो गया, देन इट वेंट अप टू से 11 लाख, 10 लाख। सो हाउ द डिफरेंस इज मूविंग बिटवीन कॉल्स पोजिशंस एंड पुट पोजिशंस। अब इसको यूज कैसे करना है, लाइक से ये दिस इज वन एग्जाम्पल जिस दिन डिफरेंस इज नेगेटिव। जैसे ओपनिंग में 10 बजे आप देखेंगे तो डेटा वॉज कॉल्स का पोजिशंस 46 लाख एंड पुट में 46 लाख है। सो डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। फिर 10:15, 10:30, 10:45, 11, यहां से आप देखेंगे तो इसके बाद अगेन डिफरेंस थोड़ा पॉजिटिव हुआ, देन डिफरेंस अगेन वेंट डाउन। सो अगर सपोज हमने ट्रेड अगर ले भी लिया से 10:45 पे बेस्ड ऑन दिस डेटा और जहां पे चेंज आया तो हमें वहां पे स्मॉल लॉस बुक करके वी नीड टू एग्जिट इट, बिकॉज सम टाइम ऐसा हुआ कि डेटा में मिडवे चेंज आ सकती है और इफ देयर इज अ चेंज इन द डेटा इन द मिडवे वी नीड टू बुक द स्टॉप लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे जो पीसीआर ओआई है उसी का डेटा पॉइंट यहां पे प्लॉटेड है। सो इस डेटा में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में ओपनिंग हुई एंड देन देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑफ द डेटा एंड ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं डेटा का, दिस इज अ सपोर्ट लेवल ऑफ पीसीआर ओआई, दिस इज अगेन अ सपोर्ट लेवल ऑफ पीसीआर ओआई एंड दिस इज अ ओपनिंग पीसीआर ओआई। अब इस तरीके का अगर हमें ट्रेंड मिल रहा है अगर पीसीआर ओआई में एंड इट इज मेकिंग अ हायर बॉटम, से मेकिंग अ हायर बॉटम एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ पीसीआर ओआई, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग सिग्नल, सिग्नल ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट।
और अगर ऐसा सिनेरियो हमें मिलता है तो अराउंड 1245 इफ देयर इज अ ब्रेकआउट इन दिस डेटा यू कैन बाय कॉल ऑप्शंस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी जिसमें भी ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है। सिमिलरली अगर ये ब्रेक डाउन होता है से दिस डेटा इज ब्रेकिंग डाउन, अगर ये डेटा में ब्रेक डाउन होता है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन ले सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस ऑन पीसीआर ओए चार्ट। प्राइस में आप कर सकते हो बट दिस विल एड अ वैल्यू इफ यू डू अ टेक्निकल एनालिसिस ऑन अ पीसीआर ओए चार्ट। ये और किसी दिन का डेटा है। पीसीआर ओआई चार्ट, ग्रीन लाइन इज द पीसीआर ओआई चार्ट। ये डेटा, दिस इज द ओपनिंग डेटा, देन डाउन दिस इज वन टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, देन लोअर टॉप एंड देन फाइनली देर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द डेटा। सो निफ्टी फेल देयर आफ्टर। दिस इज अ निफ्टी पीसीआर ओआई एंड दिस इज बैंक निफ्टी पीसीआर ओआई। निफ्टी में फ्लैट खुला और इट ब्रोक डाउन, वेयर एज बैंक निफ्टी में डेटा वॉज नेगेटिव, इट नेवर वेंट अबव जीरो, ये नेगेटिव ही रहा और फाइनली इट ब्रोक डाउन। ये एक्सपायरी डे का डेटा है। अब हम जो थर्सडे को एक्सपायरी हुई उसका हम डेटा डिस्कस करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुला एंड 10:15 पे ये डेटा था, दिस वॉज द ओपनिंग डेटा। Then it came slightly lower and then this was the top. This was the top around 10:45 पे ये डेटा बना। Normally what we recommend is अगर हम इस डेटा पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 10:30-11 के बाद ट्रेड लेना चाहिए। But in the current scenario जब VIX is higher than 20:25, what I found in the ऑब्जर्वेशन कि अगर हम इस डेटा को 2 बजे के बाद फॉलो करें तो एक्यूरेसी ज्यादा हमें मिलती है। अगर विक्स इज ग्रेटर देन 25, व्हाई? क्योंकि क्या होता है कि व्हेन द विक्स इज हायर देयर इज अ स्विंग ऑन बोथ द साइड्स। फर्स्ट हाफ जो होगा दैट वुड बी अ डिफरेंट मार्केट एंड सेकेंड हाफ वुड बी अ डिफरेंट मार्केट। तो अगर हम पीसीआर ओ इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में वी शुड टेक पोजिशन आफ्टर 1:30। उस समय क्या होगा, डेटा वुड बी मोर मेच्योर्ड, स्टॉप लॉस हंटिंग या जो वोलेटिलिटी होती है फर्स्ट हाफ वोलेटिलिटी वुड बी ऑलरेडी देयर एंड सेकेंड हाफ मूव यू कैन इजिली कैच विद दिस डेटा एंड इफ द विक्स इज हायर 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आपको सेकेंड हाफ में बड़े आराम से मिल सकता है। सो इन द हायर विक्स सिनेरियो वी शुड ट्रेड आफ्टर 1 PM ऑन पीसीआर ओआई डेटा। अब एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन ये टॉप बनने के बाद द पीसीआर ओआई वाज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। सो अगर कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन का मतलब क्या होगा, अगर आप कॉल का पोजीशन और पुट का पोजीशन को कंपेयर करेंगे तो पीसीआर इंक्रीज कब करेगा, जब पुट्स का पोजीशन इंक्रीज होगी देन पीसीआर रेशियो विल गो अप। बिकॉज व्हाट इज पीसीआर ओआई, पुट पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल पोजीशन इज पीसीआर ओआई। अब पुट्स का पोजीशन अगर डिक्रीज हो रहा है देर इज अनवाइंडिंग इन द पुट्स, सो दिस पीसीआर ओआई विल गो डाउन, दिस पीसीआर ओआई विल गो डाउन। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ कि ओपनिंग में देयर वाज अ ह्यूज अनवाइंडिंग ऑफ कॉल्स, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुला तो अनवाइंडिंग इन कॉल्स यानी जितनी भी स्ट्राइक्स थी जो कॉल राइटर्स थे पुराने उन्होंने अपनी कॉल्स को अनवाइंड किया, यानी कॉल्स की पोजीशन कम हुई और पुट्स की पोजीशन एज इट इज इंटैक्ट थी। सो दैट्स व्हाई पीसीआर ओआई वाज हाई एट ओपनिंग। बट ओपनिंग के बाद मार्केट स्टार्टेड स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन विद द प्रॉफिट बुकिंग एंड ये सिग्नल हमें दे रहा था कि निफ्टी कैन गिव सम प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज पीसीआर ओआई वाज गोइंग डाउन। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो व्हेन पीसीआर ओआई इज गोइंग डाउन, इस केस में हम अपनी जो बाइंग ऑफ कॉल ऑप्शन है उसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या वी कैन वेट फॉर द लोअर प्राइस। बिकॉज जब पीसीआर ओआई इज ट्रेंडिंग डाउन देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी का जो प्राइस है दैट विल कम डाउन, और उस केस में अगर आप कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हो तो यू शुड जस्ट वेट फॉर
for this PCRY to reverse, if this is a upward sloping, उस केस में आप बाय कर सकते हो. अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यू कैन बाय अ पुट ऑप्शन और यू स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हैं और यू कैन गेट अ गुड प्रॉफिट. अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है इन दैट केस यू कैन बाय पुट ऑप्शन और इफ दिस इज अ अपवर्ड स्लोपिंग आप उस केस में कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं. बैंक निफ्टी सेम एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, इट एक्चुअली निफ्टी वॉज लेड बाय बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में डेटा टर्न नेगेटिव अराउंड 1245 पे बैंक निफ्टी का डेटा पीसीआरओआई टर्न नेगेटिव एंड देर आफ्टर देर वॉज सेलिंग इन टू निफ्टी विच केम आफ्टर 1245 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. तो एक्सपायरी वाले दिन अगर हम इस डेटा को फोकस करके और कंसंट्रेट कर रहे होते तो 1245 वॉज द टर्निंग पॉइंट जहां से बैंक निफ्टी टर्न नेगेटिव और अगर वहां से देखेंगे तो बैंक निफ्टी फेल नियरली 600-700 पॉइंट और निफ्टी में 200 पॉइंट का करेक्शन आया देन इट बाउंस एट द लास्ट. ये हमारा एक्सपायरी डे का डेटा हो गया. तो इसमें ट्रिक ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर है तो हमें कॉल्स की जो बाइंग है उसको थोड़ा लिंगर ऑन कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. इफ इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग देन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू बाय कॉल ऑप्शन. डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. ये आज का ग्राफ है जो हमने अभी समझा कि आज का ग्राफ में किस तरीके से डेटा वॉज मूविंग टोटली साइडवेज. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे पीसीआरओआई के जो हम प्रैक्टिकली एवरीडे हम यूज कर सकते हैं एंड दिस इंडिकेटर हैज गॉट हायर एक्यूरेसी कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स. अब इसी में सपोज अगर हमें ऑप्शन राइटिंग करना है, सपोज जो अभी तक हम मैंने डिस्कस किया कि कॉल राइटिंग, कॉल बाइंग या पुट बाइंग हम कैसे कर सकते हैं. सो हमें कॉल बाइंग तब करना है जब डेटा इज अबव जीरो एंड दिस रेशियो इज अपवर्ड स्लोपिंग, स्लोप मेरा ऊपर है एंड द वैल्यू इज अबव जीरो. पुट हमें कब बाय करना है, दिस वैल्यू इज बिलो डाउनवर्ड स्लोपिंग और बिलो जीरो. बिलो जीरो लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो टू बाय पुट ऑप्शंस. ऑप्शन राइटिंग हम कब कर सकते हैं, से अगर हमें इंट्राडे में कॉल या पुट राइटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं कि से पीसीआरओआई इज बिलो जीरो और आफ्टर 12, आफ्टर से 11:30 और 12 हम ये देख रहे हैं कि दिस डेटा इज नॉट इम्प्रूविंग, इट इज अगेन कंटिन्यूअसली बिलो जीरो लाइन, यानी पीसीआरओआई इज लेस देन 1, सो दैट्स व्हाई इट इज बिलो जीरो. 0.9, 0.75, 0.65, सो अगर ये 0.65 है दैट मीन्स कॉल की पोजिशन ज्यादा है, पुट्स की पोजिशन कम है, सो दैट्स व्हाई इट इज बिलो 0.1, इट इज बिलो 1. तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम उस समय आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हैं, से 200 पॉइंट दूर की हम कॉल ऑप्शन राइट करके प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं. स्टॉप लॉस वुड बी अगर पीसीआरओआई गोज अबव दिस लाइन और आप 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आउट ऑफ मनी कॉल्स में रख सकते हैं जो करीब 200 पॉइंट ऊपर है. बट यस, अगर ये डेटा देख के एटलीस्ट यू विल गेट अ क्लू कि जो कॉल राइटर्स आर एक्टिव और पुट राइटर्स आर मोर एक्टिव इनटू द मार्केट. सो अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो पीसीआरओआई इज बिलो जीरो एंड तो इन दैट केस यू कैन राइट कॉल ऑप्शन एंड टू एड मोर वैल्यू टू योर ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटजीज आप थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स का भी हेल्प ले सकते हैं कि इफ द देयर इज अ ब्रेकडाउन हैपनिंग एंड पीसीआर इज ऑल्सो बिलो जीरो लाइन, सो दैट गिव्स अ फर्दर एडेड एडवांटेज टू योर पोजिशन. अब इसमें हम एंट्री लेवल्स पे आते हैं कि ये बेसिकली ये आज का वीवैप है और ये एक्सपायरी डे का वीवैप है और ये एक सिंपल एग्जांपल है. तो मैं तीनों डिस्कस करता हूँ कि हमें एंट्री लेवल्स कैसे यूज करना है और जो एंट्री है वो कब फेल होती है और क्या उसके ट्रिक्स हो सकते हैं. सो जो हमारा क्राइटेरिया है, वन इज अ नॉर्मल सिनेरियो व्हेन द वीक्स इज बिलो 20 एंड वन इज एबनॉर्मल सिनेरियो व्हेन द वीक्स इज मोर देन 25. सो दिस स्लाइड नंबर वन, दिस इज अ केस वन फॉर नॉर्मल सिनेरियो and this slide number 2 is for current volatility scenario and this 3 is a scenario where this indicator failed. So in the normal scenario
ट्रिक इज हम पीसीआर ओआई इज पॉजिटिव तो हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, पीसीआर ओआई इज नेगेटिव यानी बिलो वन तो हमें पुट ऑप्शन खरीदना है. तो हमें कब खरीदना है, जब विक्स इज बिलो से 20, इन दैट केस राइट एंट्री लेवल वुड बी नियर टू द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. ये जो आप देख रहे हैं निफ्टी का ग्राफ है, कैंडलस्टिक चार्ट, हमें ट्रेड लेना है आफ्टर 10:30. सो द पॉइंट नंबर वन, वी नीड टू ट्रेड आफ्टर 10:30. 10:30 बजे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पीसीआर ओआई पॉजिटिव है या नेगेटिव है. 10:30 से 11 के बीच में आपने आइडेंटिफाई किया कि पीसीआर ओआई से पॉजिटिव है, तो एंट्री वुड बी नियर टू द वीवैप लेवल, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये ग्रीन लाइन इज अ वीवैप लेवल, ये ग्रीन लाइन है, ये वीवैप लेवल है. वीवैप लेवल क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि 10:30 बजे तक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा, जो 9:15 से 10:30 बजे तक जो भी ट्रेड हुई होगी मार्केट में निफ्टी फ्यूचर्स में, और जो भी वॉल्यूम्स हुआ होगा उसका जो एवरेज आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. अगर आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से 12 बजे का देखेंगे तो 9:15 से 12 बजे तक जो भी वॉल्यूम्स हुए हैं कंबाइंड वॉल्यूम्स, उसका जो वॉल्यूम्स का वेटेड एवरेज प्राइस है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. Why VWAP is more important than simple moving average? Because simple moving average is calculated based on price action, whereas VWAP is calculated based on volumes. So volumes are more relevant and more lively because volumes are actively played into the market. So volumes indicators are more accurate compared to price indicators. So agar normal scenario mein PCR is ग्रेटर देन वन एंड द विक्स इज बिलो 20, तो उस केस में जब भी वीवैप के आसपास निफ्टी आएगी तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे एंड द स्टॉप लॉस वुड बी नियरली 25 to 30 points इन ऑप्शंस. यानी हम एट द मनी कॉल खरीदेंगे और 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे. अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब हो गया कि निफ्टी 60 to 70 points. इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो यहाँ पे वीवैप टच हुआ, निफ्टी मूव्ड अप, देन अगेन इट केम टू द वीवैप, देन इट मूव्ड अप एंड अगेन यहाँ पे वीवैप टेस्ट किया एंड इट मूव बैक. कई बार हमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, वेन वी ट्रेड द ब्रेकआउट्स, यानी हम ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं एंड ऑन ब्रेकआउट्स अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, देन देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ मार्केट टचिंग द वीवैप, और वीवैप पे आते ही नॉर्मली द स्टॉप लॉस विल गेट ट्रिगर्ड. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इंटर क्लोजर टू द वीवैप लेवल. आप वीवैप के आसपास इंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा. अब हाउ यू विल गेट द वीवैप लेवल, वीवैप इज मोस्टली अवेलेबल इन ऑल द ओडियन प्लेटफॉर्म्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है. सेकेंड इज, अगर आपको वीवैप वैसे नहीं मिल रही है तो आप मार्केट एवरेज प्राइस भी आपको आपके सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी. आप यू कैन ऑल्सो यूज मार्केट एवरेज प्राइस, दैट विल ऑल्सो वर्क सिमिलर टू द वीवैप. थर्ड इज SMC ऑटो ट्रेंडर में वी प्रोवाइड वीवैप, वहां से आप वीवैप यूज कर सकते हो. सो दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो जहां पे हमें अगर बुलिश सिनेरियो है तो वी नीड टू बाय नियर वीवैप, और अगर बेयरिश सिनेरियो यानी पीसीआर इज बिलो 1 तो हमें वीवैप के आसपास पुट खरीदना है. ये आज का वीवैप लेवल है. निफ्टी आज की ओपनिंग हम डिस्कस करते हैं. निफ्टी सुबह ओपनिंग हुई थी, इट वॉज अराउंड 16,480. दिस वॉज अ फर्स्ट टिक. आज का मार्केट का फर्स्ट टिक था 16,480. 16,480 से मार्केट विद इन से बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock यहाँ तक आप देखें निफ्टी वेंट अप टू 16,704. सो यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो इट वॉज अराउंड 720 पॉइंट का बाउंस. There was a bounce of 220 points in just 45 minutes. 45 minutes में 20 points का bounce आ गया market. Now again, it was very volatile day. From 704, it again came back to 560. So again there was a strong correction. अब now time यहाँ पे अब देखेंगे तो this is a 10:30. अब यहाँ पे हमें डेटा देखना पड़ेगा कि पीसीआर क्या है. पीसीआर अगर आप 10:30 पे देखेंगे तो पीसीआर वाज पॉजिटिव, पीसीआर ग्रेटर देन वन,
तो अगर हमने यहां पे देखा 10:30 बजे के आसपास पीसीआर ग्रेटर देन 1 है। नाउ एज अ ट्रेडर हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या तो हम कॉल लेंगे या पुट लेंगे इफ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, सो वी विल बाय आइदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सो 10:30 बजे हमने देखा कि पीसीआर मेरा पॉजिटिव है, सो माय डिसीजन वुड बी टू गो आफ्टर द कॉल। सो यहां पे सपोज आपने देखा कॉल लेना है, सो से 11 बजे आपने कॉल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉल लिया, मार्केट यहां पे थी 16,608, दिस वॉज द मार्केट लेवल आज का, देन इट वेंट अप टू 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, देन इट अगेन केम डाउन, फिर ये दिस वॉज द लेवल जहां से मार्केट अगेन बाउंस बैक, देन फाइनली इट क्लोज अराउंड दीज लेवल्स। सो अगर आप इस डेटा को एनालाइज करें तो अगर आज के दिन में से मैं ब्लाइंडली पुट ले लेता तो मुझे प्रॉफिट होता या लॉस होता, जस्ट थिंक ऑफ कि 10:30 बजे मुझे डेटा दिखा कि पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, पीसीआर इज से इट वाज अराउंड 1.25 10:30 बजे के आसपास, तो मुझे एक क्लू मिल गया कि मार्केट में डेटा पॉजिटिव है, पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, सो आई शुड स्टिक टू द कॉल ऑप्शन एंड आई शुड अवॉइड पुट ऑप्शन। तो कम से कम एक ये क्लू मिल गया कि मुझे पुट्स को अवॉइड करना है। सो अगर मैं पुट में ट्रेड कर रहा होता आफ्टर से दिस टाइमिंग, अगर मैं 10:30 के बाद पुट में ट्रेड कर रहा होता आज, तो आई वुड हैव लॉस्ट मनी इन पुट ऑप्शन, मे बी 30-40 पॉइंट्स इन एट द मनी ऑप्शंस। अगर मैं कॉल्स में ट्रेड कर रहा होता तो मे बी आई नेकेड कॉल्स में, तो मे बी आई वुड हैव बुक सम प्रॉफिट्स और एंडेड एट अ ब्रेक इवन लेवल्स। सो इसके बेसिस पर हमें यह देखना है कि जब भी अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, विक्स ज्यादा है और पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, तो हमें वीवैप के नीचे लेना है, नॉट एट वीवैप, बिकॉज कई बार ये होगा कि वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा होगी तो प्राइस विल ब्रेक द वीवैप लेवल्स एंड इट विल ट्राई टू टच द डे लो। क्या व्हाट आई मीन टू से इज is a very important point, just please concentrate. What I mean to say is, one scenario is when the VIX is below 20. So jab VIX below 20 hai to aap bade aaram se you can buy around VWAP, stop loss will mostly stop loss will not get triggered, but jab VIX 20 se zyada hai, 25 hai, to in that case kya hota hai, market normally gap up khulne ke baad ye it try to रिट्रेस, यानी ये जो पूरा लेवल है, से दिस इज 100%, इट विल ट्राई टू रिट्रेस बाय से 62%, 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, दिस इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन द विक्स इज ग्रेटर देन 25। सो व्हेन द विक्स इज मोर देन 25, हमें वीवैप पे नहीं लेना है, वी शुड अवॉइड द वीवैप, और वी शुड ट्राई टू बाय नियर द रिट्रेसमेंट लेवल विच कुड बी 61%। सो ये रिट्रेसमेंट लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस समवेयर अ डे लो, तो 61 के आसपास आप लेंगे, तो यहाँ पे इफ यू बाय अराउंड दिस लेवल योर स्टॉप लॉस विल बी दिस लेवल्स। सो जैसे आज के सिनेरियो में ये रिट्रेसमेंट्स पे अगर हम बाय करते बेस्ड ऑन पीसीआर, तो वी वुड हैव गॉट सम प्रॉफिट्स, वी एंटर्ड बुल स्प्रेड्स अराउंड दिस लेवल्स, और फाइनली लास्ट में इट क्लोज अराउंड द बाइंग प्राइस। अब हम कल का एक बार सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन क्या था। एक्सपायरी वाले दिन से निफ्टी ओपन अराउंड दीज लेवल्स 16,588, एंड देन विदिन से 1 आवर इट मूव टू 16,742, सो इट वॉज अप 350 पॉइंट, और फिर देन देयर वाज अ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, ये वीवैप के आसपास आया, वीवैप के आसपास आया, एंड वी ट्राई टू इंटर नियर द वीवैप लेवल, हमने कॉल ऑप्शन खरीदा, एंड कॉल ऑप्शन जब जैसे हम लोगों ने लिया, इट वेंट अप सेट 17-18 पॉइंट, इट वेंट अप, वी इंटर्ड हेयर, हम वी इंटर्ड एट दिस प्राइस, एंड देन देयर वाज अ सडन स्पाइक एंड बाउंस, यू कैन सी देयर वाज अ सडन स्पाइक एंड बाउंस, एंड देन इट ब्रोक द वीवैप लेवल एंड दिस सेटअप फेल, यहाँ पे आया, देन अगेन देयर वाज अ बाउंस टुवर्ड्स द वीवैप, and then there was a failure of this bounce and the Nifty cracked. So on the day of expiry, it was very volatile
एंड पीसीआर ओआई वाज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन, सो दैट गेव द इंडिकेशन कि देयर इज अ अनवाइंडिंग इन द पुट ऑप्शन एंड निफ्टी कैन हैव अ करेक्शन, बिकॉज ये जो वीवैप है इट वॉज गेटिंग रिजेक्टेड ऑन द बाउंस, इट गॉट रिजेक्टेड, इट गॉट रिजेक्टेड, सो दिस वॉज अ साइन दैट दिस हैज बिकम अ रेसिस्टेंस जोन. सो वी हैव डिस्कस थ्री सिनेरियो. वन इज जब नॉर्मल सिनेरियो में मैंने कैसे ट्रेड करना है, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो. सेकेंड इज जब वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हमें कब एंट्री करना है, वी नीड टू इंटर अराउंड 61% रिट्रेसमेंट लेवल, नॉट एट वीवैप प्राइस बिकॉज इट कैन गेट वायलेटेड बिकॉज ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग. एंड थर्ड इज देयर कैन बी फेल्यूर ऑफ द वीवैप, दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन अ गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग, सो वी शुड ट्रेड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. सो दीज पॉइंट्स that I wanted to highlight for Nifty and Bank Nifty options. So these two topics I am done, Nifty and Bank Nifty. Now next, moving to the covered call writing. I am already running out of time. So already spent 1 hour in Nifty and Bank Nifty data. So just give you very quick recap on 1-2 topics, because due to time constraint, I cannot cover all the topics. So one is covered call writing. So what is covered call writing? Covered call writing is we buy stocks and we sell call options. So that is called covered call writing. Like just I will take two examples. One is ITC and one is Reliance. इसके क्या tricks हम use कर सकते हैं? How we can do covered call writing? Let's go to the data. Let's go to the auto trader data. Rahul Mai, this ticker is visible. Can you please help? Yes, sir. Ticker is visible, sir. So ITC data is coming. ITC data. Yes, sir. Okay. Right. So let's analyze ITC. Why ITC? Because ITC is a very good stock to do a covered call writing. Covered call writing का मतलब हम वैसे stock select करते हैं जिसमें there is a limited downside and we can eat a time value premium. So ITC में अगर आप देखेंगे तो current price is 236 and अगर हम calls का open interest March expiry का analyze करें तो there is a 230 strikes में open interest highest open interest at 230, 235, 240 and 250. So jo ITC is like say most of the mutual funds, they have ITC in their portfolio and very good number of shares they have in their portfolio. Most of the mutual funds and FIs, they are invested in ITC, but still the stock is not moving up. So what strategy we can implement? We can do a covered call writing. हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ITC portfolio में है and how the positions are distributed. Say मेरे पास say ITC से 2000 shares या 1 lot shares हैं, तो positions are distributed in this calls. So as a covered call writing में क्या कर सकता हूँ, like say the price is 236, the maximum open interest 230 पे है and then 250 पे है, तो आप ये जो चार स्ट्राइक्स हैं इनका यू कैन जस्ट फाइंड आउट द एवरेज, यानी 230, 235, 240 एंड 250, इन चारों का एवरेज विल कम अराउंड 240. सो 240 के स्ट्राइक्स आप यू कैन राइट द कॉल ऑप्शन, यानी आपके पास होल्डिंग 236, यू हैव अ होल्डिंग ऑफ ITC एंड यू कैन राइट अ कॉल ऑप्शन ऑफ 240. 240 का कॉल ऑप्शन ₹3.20 का है, यू कैन ईट दिस प्रीमियम इन दिस एक्सपायरी, यानी मोस्ट लाइकली ITC will trade below 240. This expiry, this 240 call should get zero and you can capture the premiums. So if you do it every month, agar har month mujhe 3-4 rupaye premium milta hai, to I can reduce the cost of my holding. Say ITC agar say my buying is at 240 ki meri buying hai, for example, and I keep on pocketing 3-4 rupees as a option premium, so I can within a year I can pocket say 30-40 rupees from a ITC covered call writing. Say just
Reliance, just look at the data in Reliance. So this data I'm getting from SMC Auto Trader. This is option chain data. अगर हम Reliance Industries में देखते हैं तो Reliance trading at 2400, 2400 अभी price है. And अगर आप options का data देखेंगे तो 2400 strike and 2500 strike पे there is a maximum call writing. So इन दोनों का आप average लें, so it comes around 2450 के स्ट्राइक नहीं है तो इट कम्स अमाउंट 2460. सो मोस्ट लाइकली रिलायंस इंडस्ट्री विल क्लोज बिलो 2450 दिस एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी. और अगर हम प्राइस देखें तो 2460 का प्राइस 32 रुपीज है एंड दिस प्रीमियम कैन गेट जीरो ऑन दिस एक्सपायरी. So, अगर we do a covered call writing, तो हम क्या करेंगे? We have stocks Reliance in our hand and we can sell this call option and we can pocket this 32 rupees. अगर stock नीचे चला जाता है तो हमारे 32 rupees profit, ये premium आ जाएगा. And if it goes, say, above 2460, then also we will not lose money because हमारे पास Reliance already we have in our holding and we will get profits in Reliance plus we get this premium also. So, अगर हमें कवर्ड कॉल राइटिंग करना है तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं. हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा को देखेंगे कि किस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स एंड दो स्ट्राइक्स में ऊपर, और उनका एवरेज आउट करके वी कैन फाइंड आउट द स्ट्राइक विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन एरिया. सो दीस 11 स्टॉक्स आर रिकमेंडेड टू डू अ कवर्ड कॉल राइटिंग बिकॉज दे आर निफ्टी हेवी वेट्स, और ये टॉप निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वी शुड डू कवर्ड कॉल राइटिंग इन दीज स्टॉक्स ओनली. हम वी कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज 11 स्टॉक्स एंड वी कैन डू कवर्ड कॉल राइटिंग इन दीज 11 स्टॉक्स. कैसे करेंगे? वी कैन लुक एट अ ओपन इंटरेस्ट डेटा. ऊपर की जो भी स्ट्राइक्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां का आप एवरेज निकाल के यू कैन डू अ कवर्ड कॉल राइटिंग. फ्राइडे को हम स्ट्रैडल सेलिंग कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी यूजफुल इफ यू ट्रेड ऑन फ्राइडे. कैसे यूजफुल है फ्राइडे? व्हाई द वी ट्रेड स्ट्रैडल ऑन फ्राइडे? द फर्स्ट इज स्ट्रैडल वैल्यू इज वेरी हाई ऑन न्यू फ्राइडे बिकॉज जब भी फ्राइडे स्टार्ट होता है तो इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ वीक, सो द प्रीमियम्स आर हायर. 5 दिन का प्रीमियम होता है. एंड द सेकेंड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो हायर बिकॉज से प्रीमियम अगर हाई होगा तो आपका रेंज आपको बड़ी मिलेगी स्ट्रैडल में. सो व्हाट वी यू डू इन स्ट्रैडल, आप कॉल्स एंड पुट दोनों राइट करते हो एंड मोस्ट अगर आप बैक टेस्ट करो से लास्ट 365 डेज यानी 52 वीक्स को तो आप यू विल फाइंड 60-70% ऑफ द फ्राइडेज आर प्रॉफिटेबल ऑन स्ट्रैडल सेलिंग. Why Friday को profits हमें मिलते हैं? Because call writers and put writers both are active on Friday. They create positions. So that's why PCR is also close to 1 and there is a time value decay. Plus, अगर आप there is a time value decay of say Monday, say Saturday, Sunday also. In the current scenario, जैसे आज time value decay बहुत ज़्यादा नहीं था because there is a news flow going on. So when the news flow is going on, the time value decay will be lesser. बट जब मार्केट विल बी नॉर्मल, नो न्यूज फ्लो, इट्स अ नॉर्मल मार्केट, एवरीथिंग इज गोइंग एज नॉर्मल, इन दैट केस यू विल हैव अ हायर डीके ऑन फ्राइडे बिकॉज सैटरडे संडे का भी डीके हमें फ्राइडे को मिलता है. सो ऑन नॉर्मल सिनेरियो द डीके विल बी हायर, बट व्हेन द न्यूज फ्लो, नेगेटिव न्यूज फ्लोज आर गोइंग ऑन, इन दैट केस द डीके माइट नॉट बी देयर ऑन फ्राइडे. So what we do is we sell straddle at the money straddle around 9:30 AM. Stop loss will be 10% of your straddle value. यानी अगर suppose आपने 400 रुपए में आप बेच रहे हो तो straddle stop loss will be nearly 35 to 40 points and the profit target would be approximately equal 10 to 12% of the straddle value. Avoid the straddle if there is any event risk. कोई अगर event है like say election results or some major announcement is there, then in that case we should avoid the straddle.
और इफ देर इज अ गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग ऑफ मोर देन 2%, अगर 2% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है तो उस केस में भी फ्राइडे को हम स्ट्रैडल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर गैप अप है तो देर कैन बी रिट्रेसमेंट एंड देन बाउंस, सो वोलेटिलिटी कैन बी देयर। सो फ्राइडे हमें स्ट्रैडल कब करना है, जब देर इज अ नो गैप अप एंड गैप डाउन मोर देन 2%, कोई मेजर इवेंट नहीं है, देर इज नो इवेंट रिस्क, इन दैट केस वी कैन क्रिएट स्ट्रैडल। प्लस टू फर्दर एड वैल्यू टू योर एनालिसिस, आप एट द मनी का ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। से निफ्टी ट्रेडिंग एट से 16,600, वी डिड लास्ट वीक, आई हाईलाइटेड द डेटा ऑल्सो, कि 16,600 की कॉल्स में देर वॉज अ ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑफ 16 लाख, 16,600 की पुट में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन 16 लाख ही था, तो दोनों में ओपन इंटरेस्ट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, PCR वॉज अप्रोक्सीमेटली 1। सो अगर ऐसा सिनेरियो है, दैट मीन्स देर इज अ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कॉल्स एंड पुट्स, सो मार्केट इज लाइकली टू बी साइडवेज, सो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो टू राइट स्ट्रैडल, बिकॉज जब एट द मनी की कॉल एंड पुट दोनों में इक्वल ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कॉल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन पुट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वहां पे हमें टाइम वैल्यू मिलने के चांसेस ज्यादा है। लाइक अगर आज का सिनेरियो आप देखेंगे तो 16,600 की कॉल पुट में देयर वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल्स एंड पुट, एंड 16,600 की जो कॉल एंड पुट है जिसकी ओपनिंग थी 475 के आसपास, 475 वॉज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ अ स्ट्रैडल एंड द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रैडल वॉज नियरली 460-455 ऐसे ही था, सो द डीके वॉज नियरली 15 to 20 points। सो ये इफ यू लुक एट अ ओपन इंटरेस्ट एंड इफ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड वैल्यू एडेड टू स्ट्रैडल सेलिंग। So I am not covering further. So what left is butterfly expiry day. Butterfly is left. Then results trading is left because I am getting out of time. So these two topics left will cover in the next presentation. So moving to the question answer session, because that will again take next 15 minutes. So Rahul, we move to the question answer, whatever we have discussed today. And let's first recap and then we will move to the question answer. So just recap the session. So what we discussed today. So we discussed Nifty option trading and how we should use put call ratio in Nifty option trading. Bank Nifty, the similar method, like Nifty mein jaise call put ka distribution is same is for Bank Nifty. The only difference is stop loss. Bank Nifty mein the stop loss is higher and the targets are higher, whereas Nifty mein the stop loss is nearly 40 points, whereas Bank Nifty mein it is 100 point. In terms of losses, the equal, because the lot size for Bank Nifty is 25 and the lot size for Nifty is 50. So in terms of loss, the parameter will be same for Nifty and Bank Nifty. Covered call writing highlighted how to do and which stocks are suitable for do covered call writing. And then we discussed, we did not discuss result outcome. हमने बटरफ्लाई वी डिड नॉट डू एंड वी डिड स्ट्रैडल ट्रेडिंग, स्ट्रैडल हम कैसे करेंगे, सो वी कवर्ड दिस थ्री। वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। ऑप्शन राइटिंग इन इंट्राडे आल्सो वी टच समथिंग, जो ऑप्शंस का डेटा इफ द पीसीआर इज बिलो 1 देन इन दैट केस लुकिंग एट द ट्रेंड यू कैन डू ऑप्शन राइटिंग इन इंट्राडे। एंट्री लेवल्स हमें कैसे फाइंड करना है, वी डिस्कस वीवैप, हाउ टू यूज द वीवैप। वी हैड थ्री एग्जांपल्स, वन नॉर्मल सिनेरियो, वन करंट सिनेरियो एंड वन इज अ फेलियर सिनेरियो, जो सिनेरियो फेल कर गया एंड वीक्स इज 25 से ग्रेटर है, देन इन दैट केस हमें रिट्रेसमेंट पे लेना है, दैट इज 61% रिट्रेसमेंट फ्रॉम ओपनिंग कैंडल। स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं वी शुड कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यानी जो प्रीमियम्स हैं यू शुड keep a stop loss of say maximum 22,000 to 25
₹100 अ लॉट, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको 2000 से 2500 पर लॉट आपको स्टॉप लॉस इन द करंट सिनेरियो यू नीड टू कीप। तो राहुल प्लीज टेक क्वेश्चंस, वी कैन मूव टू द क्वेश्चन आंसर। या श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सेशन। और हमारे अटेंडीज के लिए कि जो भी क्वेश्चन हैं आपके, आप Q&A टैब में पूछ सकते हैं, Q&A चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जितने क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे। सो सर, हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपाल जी हमसे पूछना चाहते हैं कि ऑप्शन सेल एंड बाय सेम साइड देन प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस होना चाहिए? क्या फिर से, कैन यू रिपीट? यस सर, सर गोपाल जी का क्वेश्चन है कि मतलब ऑप्शन सेल एंड बाय सेम साइड है देन प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस होना चाहिए? I did not get the question. Please take the next question. Okay, sir. Sir, Vijay ji puchna chahte hain ki how to do option selling and any tool to use it. Dekhiye, option selling is slightly not recommended in the current scenario because abhi kya VIX is a rising option selling tab karte hain hum log jab VIX cool down method hoti hai and market is in one direction. Jab VIX zyada rahegi to market kya hoga, it is not in one direction. One day you will have a down move, second day you will have a up move. So first in the current scenario hame option selling could be very risky because gap up and gap down mein aapko bada loss ho sakta hai, intraday mein bhi badi movement ho sakti hai. Now the second is when to do option selling. Option selling aap kar sakte ho jab VIX below 20 hai. थर्ड इज ऑप्शन सेलिंग के लिए आप टूल यूज कर सकते हो PCROI, आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। एंड द फोर्थ, अगर PCR पॉजिटिव है, PCROI इज पॉजिटिव, तो वैसा पुट्स आप बेच सकते हो जहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सो PCROI इज ग्रेटर देन 1, सो दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट, और आप उस केस में आप पुट बेच सकते हो इन इंट्राडे उस लेवल की जहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है। अगर से PCROI इज लेस देन 1, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कॉल राइट करेंगे, और कॉल कौन सी राइट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, जिस लेवल पे आप राइट कर रहे हो 20 से 25 पॉइंट ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा, और यू विल स्क्वायर अप द पोजीशन बाय 10 3 15। ओवरनाइट कैरी करना ऑप्शन राइटिंग कैन बी वेरी रिस्की। थैंक यू सर, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे भी समझ में आ गया इसका आंसर। एंड सर जब्बर जी पूछना चाहते हैं कि मतलब अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो सर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रखना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी में अभी तो इट्स अ वेरी वेरी वाइल्ड एंड वेरी वोलेटाइल, बिकॉज आप ये देखेंगे कि करंट सिनेरियो में विद इन 10 मिनट्स 300 पॉइंट का फॉल है, देन अगेन 400 पॉइंट का बाउंस है। तो करंट सिनेरियो में नेकेड ऑप्शंस कैन बी वेरी रिस्की, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड नेकेड ऑप्शंस इन द करंट मार्केट, बिकॉज स्पेशली बैंक निफ्टी, क्योंकि 300-400 पॉइंट का मूवमेंट होते ही आपका 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो व्हाट आई रिकमेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी इनटू द मार्केट, बिकॉज इफ वी आर एबल टू सस्टेन द करंट वॉलिटिलिटी, अगर हम करंट वॉलिटिलिटी में अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं एंड वी डोंट लूज मच इनटू द करंट वॉलिटिलिटी, देन वंस द वॉलिटिलिटी गोज डाउन वी विल बी एबल टू मेक मनी। सो फर्स्ट एंड foremost is not to lose money into the current volatile market. So stick with the spreads, aap bullish spreads, bearish spreads kar sakte hain. Still agar aap stop loss calculate karna chahte hain to aapko ATR pe calculate karna padega, average true range, yani us options ki ATR kya hai. Say ATR of a option, average true range of a option is say 100 point, to aap 1.2 ATR of that strike aap स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में 16600 की कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं अराउंड वीवैप एंड द एटीआर इज 32 पॉइंट्स, तो 32 इनटू 1.2 व्हिच विल कम अराउंड 45 पॉइंट्स, वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टॉप लॉस। थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है भारत जी का, सर वो कहना चाह रहे हैं कि आई हैव वॉच्ड लास्ट कपल ऑफ वीडियोस अबाउट दिस PCR मॉडल ट्रेडिंग, I just wanted to know that with how much capital should I begin or should I enter into the market with option buying to be sir, able to try and fail? Yeah, I get. You can begin with say
20,000 capital also. So we have done one exercise and that is working. So what exercise that we have done is 11 baje jo PCR OI hai, wo say if it is more than 1.5, so we just buy a call option and we keep it the closing. You can do a back test. Aap isko back test kar sakte ho. All the datas are available on your channel. Last historically aap 6 महीने का भी डेटा आपके चैनल में अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो. सो द एक्सरसाइज इज 11 बजे पीसीआर ओआई इज से पॉजिटिव, इट इज मोर देन 1.4, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट और यू होल्ड इट टिल 3:20-25 पे एंड यू स्क्वायर इट ऑफ. अब सिंपल, कुछ नहीं करना है. और इफ द पीसीआर इज लेस देन 0.75, सो दैट इज अ नेगेटिव पीसीआर, तो आप पुट ऑप्शन खरीद लो एंड स्टॉप लॉस 50 पॉइंट और होल्ड इट टिल 3:20-25 पे. तो जब हमने इसको बैक टेस्ट किया एंड विद अ कैपिटल ऑफ से 15,000, तो हाउ द कैपिटल इज ग्रोइंग. फर्स्ट मंथ से जो 15,000 था दैट बिकम डबल एंड देन सेकेंड मंथ दैट बिकम से 25,000 का सेकेंड मंथ में प्रॉफिट आया 15,000 पे. देन अगले महीने देर वॉज अ लॉस ऑफ से 7,000-8,000. सो इन दिस वे, सो व्हाट आई मीन इज अगर आप 15,000 का कैपिटल लगाते हो विद विच इज अ वेरी स्मॉल एंड यू कैन ट्रेड ऑन दिस स्ट्रेटजी, आई वुड रिकमेंड टू हैव मिनिमम 30,000-40,000, क्योंकि हो सकता है लॉस भी हो जाए शुरू में, बट यू कैन प्रैक्टिस दिस विद अ वेरी स्मॉल वन लॉट साइज. और उसमें मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 2,500 का लॉस होगा. और अगर आप हर दिन करते हो तो अगर 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन भी आपके गलत हो गए तो यू कैन लूज 50,000 मैक्सिमम, 2,500 का लॉस इनटू 20. नॉर्मली दिस विल नॉट हैपन. सो व्हेन वी बैक टेस्टेड वी फाउंड दैट द एवरी मंथ वी आर गेटिंग 40-50% रिटर्न ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड एंड यू कैन यूज दिस टेक्निक एंड यू कैन बैक टेस्ट इट ऑल्सो. सो यू कैन स्टार्ट विद 30-40,000 कैपिटल. थैंक यू सर. एंड सर, पीसीआर के बारे में जैसा आपने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वीरेन जी ने. उनका पूछना है कि अगर पीसीआर 1.08 है और पीसीआर 1.45 है तो क्या करना चाहिए. देखिए, 1.08 का मतलब क्या हो गया, व्हाई इट इज 1.08. 1.08 का मतलब हो गया कि निफ्टी का कॉल का पोजीशन, निफ्टी का पुट का पोजीशन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेशियो. दिस इज अ रेशियो बिटवीन कॉल्स का पोजीशन एंड पुट का पोजीशन. अगर ये 1.08 है यानी रेशियो इक्वल हो गया अप्रोक्सीमेटली, द पोजीशंस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी जो बुल्स हैं एंड बियर्स दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर ये 1.08 है तो दैट इंडिकेट्स अ साइडवेज मार्केट. तो साइडवेज मार्केट में हमें साइडवेज स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी होगी, दैट कैन बी स्ट्रैडल, दैट कैन बी बटरफ्लाइज. बट अगर ये 1.45 है सो दैट इज अ बुलिश इंडिकेशन, बिकॉज 1.45 रेशियो का मतलब क्या हो गया कि पुट की पोजीशन ज्यादा है, कॉल की पोजीशन कम है. सो अगर 1.45 है सो दैट इज अ बुलिश इंडिकेशन, यू शुड बाय कॉल ऑप्शन. बट इफ इट इज 1.08 दैट इज अ साइडवेज इंडिकेशन, यू कैन सेल स्ट्रैडल और यू कैन डू सम ऑप्शन राइटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. थैंक यू सर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक वीरेंद्र जी को और बाकी सारे यूजर्स को समझ में आ गया होगा. सर, अगला क्वेश्चन है प्रहलाद जी का. उनका कहना है कि इंडिकेटर्स को हम किस तरह से यूज करके राइट एंट्री ले सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में. देखिए, इंडिकेटर में मैंने दो तरीके से एंट्री लेवल इंडिकेट किया. एक तो हमें वीवैप पे लेना है, बट वीवैप पे तब लेना है जब विक्स 20 से नीचे है. अभी क्या है, विक्स इज मोर देन 20, सो इट्स वेरी वोलेटाइल, इट्स बाईपासिंग द वीवैप एंड अगेन इट्स मूविंग अप हिटिंग द स्टॉप लॉस, सो इट्स अ अनकॉमन सिनेरियो. बट जब नॉर्मल होगा तो आप एंट्री लेवल आपका वीवैप होना चाहिए एंड वीवैप आपको कब देखना है, 10:30 के बाद देखना है. करंट सिनेरियो में आपका एंट्री लेवल क्या होगा, 61% रिट्रेसमेंट पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आप लगा सकते हो. यू कैन डू इट ऑन एक्सेल ऑल्सो, एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो आप लगा के रिट्रेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो. फर्स्ट 1 आवर की जो कैंडल होगी यानी फर्स्ट 1 घंटे की जो रेंज बनेगी, नॉर्मली फर्स्ट 1 घंटे की रेंज ही बहुत बड़ी बनती है आजकल. अगर आप देखोगे तो 1 घंटे का रेंज ही 250 पॉइंट ऊपर नीचे बन जाता है. अब 250 पॉइंट का 61% रिट्रेसमेंट हो तभी हमें एंट्री करना चाहिए, दैट इज अ राइट एंट्री लेवल. तो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शंस. करंट सिनेरियो में 61% रिट्रेसमेंट पे लेना है फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल की,
और जब विक्स 20 से नीचे आ जाएगा तो आप वीवैप पे एंट्री कर सकते हो। ये दो एंट्री सिनेरियो है इफ यू आर यूजिंग अ पीसीआर ओआई इंडिकेटर। थैंक यू सर। सर शिवम जी का और मुन्ना जी का क्वेश्चन है कि मतलब हम इस डेटा को यूज करके मतलब पीसीआर ओआई चार्ट के डेटा को यूज करके हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं कि या हमें पोजिशनल कॉल के लिए भी हेल्प करेगा। देखो सर, इंट्राडे में तो ये काफी हेल्प करती है, बट कई बार क्या होता है कि इंट्राडे में इसका जो फ्रूट है वो हमें कई बार नहीं मिल पाता है, और वो तब होता है जब वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। अभी करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हम इंट्राडे में वी आर नॉट गेटिंग द राइट फ्रूट ऑफ दिस इंडिकेटर। लाइक टुडे निफ्टी वाज पॉजिटिव, बट वी कुड नॉट गेट द राइट फ्रूट, हमें प्रॉफिट नहीं मिला, बट वी आर नॉट इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन। मे बी देर कैन बी अ पॉजिटिव मूव ऑन मंडे। 15-20 दिन पहले एवरी डे वी वेर सीइंग अ नेगेटिव डेटा, पीसीआर नेगेटिव, पीसीआर नेगेटिव, एंड निफ्टी वाज नॉट फॉलिंग ऑन द सेम डे, इट वाज फॉलिंग ऑन द नेक्स्ट डे। सो दिस इंडिकेटर वर्क्स बेस्ट व्हेन द विक्स इज बिलो 20, बट पोजिशनल के हिसाब से आपका ये होगा कि इट विल गिव यू ओवरऑल पिक्चर कि अगर पीसीआर इज पॉजिटिव तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट जो मूव आना चाहिए दैट शुड बी अ पॉजिटिव मूव। तो अभी वीक स्टार्ट हुआ है एंड द फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड ये पीसीआर पॉजिटिव है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मूव ऑन मंडे। अब मंडे को भी अगर पॉजिटिव डेटा बनता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्यूजडे वुड बी पॉजिटिव। सो अगर ये डेटा प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल है दैट यू कैन सर्च इट एंड यू कैन ज्वाइन, वी पोस्ट द डेटा देयर। वो चैनल कौन सा है मैं आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ, इंडेक्स ट्रेडिंग विथ सीए नितिन मुरारका। अगर आप इफ यू गो ऑन द टेलीग्राम एंड सर्च इंडेक्स ट्रेडिंग विथ सीए नितिन मुरारका तो आपको मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे। कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं विच इज अ फ्रॉड चैनल, बट द राइट चैनल इज वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1 लाख, 1,05,000 मेंबर्स आर देयर एज ऑफ नाउ। सो दैट इज द राइट चैनल, यू कैन ज्वाइन इट एंड देयर वी पोस्ट द डेटा, देयर वी पोस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबिनार्स। यू कैन ज्वाइन आवर वेबिनार्स, वी प्रोवाइड लिंक्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, सो यू कैन ज्वाइन इट, इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार। थैंक यू सर। और हम लास्ट में एक बार चैट में डाल भी देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ताकि जो जिनको भी ज्वाइन करना है जो चैनल पे नहीं है वो सब ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड सर अगला क्वेश्चन है कि मतलब ये पीसीआर ओआई का चार्ट जो डेटा है ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये क्या ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल होता है? नहीं सर, ये देखिए, ये दिस इज अ सेल्फ डिराइव्ड इंडिकेटर, और ये हमारा एसएमसी ऑटो ट्रेंडर बोल के एक सॉफ्टवेयर है विच यू कैन सब्सक्राइब। द कॉस्ट इज नियरली 3,500 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, सो द कॉस्ट इज नियरली 1,1200 रुपीज अ मंथ। सो इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। यू कैन सब्सक्राइब इट, यू कैन कॉन्टैक्ट एसएमसी कस्टमर केयर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ एसएमसी ऑटो ट्रेंडर। जो भी डेटा मैंने अभी दिखाया, इसमें और भी कई डेटाज हैं, डिलीवरीज का डेटा है, स्टॉक्स का डेटा है, इंडेक्स का डेटा है, तो दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, यू कैन सब्सक्राइब इट। अगर आप एनुअल थैंक यू सब्सक्रिप्शन में सर। जाते हो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन इज इवन चीपर, इट इज 10,000 रुपीज पर फॉर वन वन ईयर। जी सर। सर अगला क्वेश्चन है अमित जी का, इनका पूछना है कि ऑप्शन बाइंग समटाइम्स इन 15 मिनट्स चार्ट ब्रेकआउट एंड 1 or 2 candles अप एंड डाउन अगेन, सो माई क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड दिस सिनेरियो? देखिए, ऑप्शन 15 मिनट ब्रेकआउट कैंडल आप राइट यूज कर रहे हो, बट उसको आप पीसीआर ओआई के साथ कंबाइन कर लें कि अगर पीसीआर ओआई इज पॉजिटिव तो आप 15 मिनट के ब्रेकआउट कैंडल को ले सकते हो। दैट इज द राइट मेथड ऑफ ट्रेडिंग। बट क्या है कि अभी करंट सिनेरियो में इट इज वॉलेटाइल, इसलिए क्या हो रहा है कि वो देर इज अ ब्रेकआउट एंड देन अगेन देर इज अ रिट्रेसमेंट, सो दिस इज हैपनिंग दीज डेज, बट दिस विल नॉट हैपन ऑलवेज, क्योंकि इन द नॉर्मल मार्केट अगर पीसीआर ओआई इज पॉजिटिव एंड देर इज अ 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, सो दैट विल गिव यू प्रॉफिट। सो अगर इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम मेथड, सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल मेथड, दिस विल वर्क, बट इन द करेंट सिनेरियो द वोलेटिलिटी इज हाई, दैट्स व्हाई
जो ब्रेकआउट हो रहा है देन अगेन देयर इज अ रिट्रेसमेंट. सो आज ही ऐसा हो रहा था, आज इट वाज हैपनिंग क्वाइट ऑफन दैट 15 मिनट में ब्रेकआउट हो रहा था, नेक्स्ट कैंडल वाज डाउन ट्रेंडिंग कैंडल, देन अगेन देयर इज अप ट्रेंडिंग कैंडल. सो दिस हैपेंस, दिस विल हैपन फॉर सम टाइम, नॉट फॉर ऑलवेज. थैंक्स, यू हैव टेकन वेरी राइट एंड गुड क्वेश्चंस एंड थैंक यू सर. आई वाज एबल टू जस्टिफाई द सेशन आल्सो. And yeah, yes, sir. I had nearly 5,000 participants today, and hope I was able to justify your time. I tried my best to give my 100%. And see you again. Thanks for joining. Subscribe our YouTube channel for more related videos.